हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफस्टाइल। मैं हूँ यास्मीन। आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरे बेबी बॉय के टाइम पे 10 ऐसे सिम्टम्स मेरे साथ सच हुए हैं। अगर ये 10 सिम्टम्स मतलब 10 सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहा है तो मान के चलिए आपको बेबी बॉय होगा। तो वही आपके साथ आज शेयर करूँगी कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे मुझे पता लगा था कि मुझे बेबी बॉय होगा। लेकिन उससे पहले मैं 4 कॉमन सिम्टम्स जो कि लोग मान के चलते हैं बेबी बॉय के लक्षण को लेकर, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। उन चारों में से सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है FHR। सब लोग कहते हैं FHR अगर 140 से नीचे है तो लड़का होता है, 140 से ऊपर है तो लड़की होती है। लेकिन ये बिल्कुल मैं इसको मानूंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मेरा बेबी का FHR यानी कि फिटल हार्ट रेट आया था 172। मैंने कई बार वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। तो उसके बाद जो भी आया है 140, 138, 136, 156 इस तरीके से आया था, तो इसको मैं छोड़ ही देती हूँ, कट कर देती हूँ FHR को। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्लासेंटा। लोग कहते हैं प्लासेंटा पोस्टीरियर है तो लड़का होता है, प्लासेंटा एंटीरियर में रहता है तो लड़की होती है। तो ये भी मेरे साथ हुआ था सच, क्योंकि मेरा भी प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, फिर भी मैं इसको भी निकाल देती हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नवेल। सब लोग कहते हैं कि अगर नवेल आपका यानी कि नाभि आपका बाहर निकला हुआ होता है तो लड़का होता है, अगर अंदर घुसा हुआ होता है तो लड़की होती है। तो ये भी मेरे साथ सच हुआ था, मेरा नवेल जो है बाहर की तरफ निकला हुआ था, लेकिन इसको भी मैं कट कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है लिनिया नाइग्रा, यानी कि पेट के ऊपर जो लंबा सा निशान होता है उसको, अगर ऐसा होता है कि अगर वो निशान आपका काली निशान जो है लंबा सीधा नीचे से लेके ऊपर तक है और सीधा है तो लड़का होता है। तो ये मेरा भी था, मेरा बिल्कुल सीधा था, लेकिन इसको भी मैं कट कर देती हूँ। तो चारों सिम्टम्स जो कॉमन लोग पकड़ के चलते हैं इसको मैं निकाल दिया। उसके बाद मैं 10 ऐसे सिम्टम्स बताऊँगी, अगर ये दसों में से 10 अगर आपके साथ सच हो रहा है, आपको भी ऐसे सिम्टम्स से, तो मान के चले लड़का ही होगा। तो उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है मॉर्निंग सिकनेस। दूसरे नंबर पर आता है हेयर फेस ग्लोइंग, मतलब हेयर ग्लोइंग, फेस ग्लोइंग। तीसरे नंबर पर आता है वॉमिटिंग। चौथे नंबर पर आता है स्लीपिंग पोजीशन। इसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं नाम बता देती हूँ। तो चौथे नंबर पर हो गया स्लीपिंग पोजीशन, और पाँचवे नंबर पर आता है फूड क्रैविंग। छठे नंबर पर आता है यूरिन कलर। सातवें नंबर पर आता है बेली शेप। आठवें नंबर पर आता है बेली हाई कैरी, लो कैरी। तो एक्सप्लेन करूँगी मैं बाद में, थोड़ा धीरज रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और नवा नंबर पर मतलब नाइन्थ नंबर पर आता है बॉडी एनर्जेटिक। और सबसे लास्ट यानी कि दसवें नंबर पर आता है बेबी मूवमेंट साइट। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मॉर्निंग सिकनेस की बात आती है तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं था। सुबह उठ के मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील करती थी, मुझे कहीं से भी थकान महसूस नहीं होता था। तो ये भी माना जाता है कि सुबह उठ के अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो आपको बेबी गर्ल होगी, अगर मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो बेबी बॉय होगा। तो ये मेरे साथ सच हुआ। उसके बाद हेयर फेस ग्लोइंग, तो मुझे पूरा शुरुआत महीने से एकदम मैंने डिलीवरी के महीने तक 9 महीने तक यानी कि मेरा फेस एंड हेयर बहुत ग्लो था। और ये भी कहा जाता है कि आपका हेयर अगर ग्रो करता है तब भी लड़का होता है। तो मेरा मतलब हेयर भी ग्रो हो रहा था और फेस भी ग्लोइंग था। मेरा चेहरा देखकर मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं से भी मेरे चेहरे पे दाग धब्बे कुछ भी नहीं आया था, ग्लो करता था। उसके बाद आता है वॉमिटिंग, तो मुझे 2.5 महीने से लेकर 3.5 महीना, ये जो बीच का 1 महीना था, तो इसमें कुछ गड़बड़ चला, बाकी के मैं कभी वॉमिटिंग नहीं करती थी। और वॉमिटिंग क्या, जैसे नौजिया वॉमिटिंग, तो मुझे नौजिया वॉमिटिंग मतलब नहीं होता था। एक बार क्या हुआ था, एक सब्जी की मुझे बेकार से स्मेल लगी थी मसालों की, तो मुझे वॉमिटिंग आ गई थी। तो उसी दिन मुझे लगातार 4-5 बार वॉमिटिंग हुई। और जिस तरीके से प्रेग्नेंट महिला को वॉमिटिंग आती, हर चीज़ में नौजिया, हर चीज़ में नौजिया वॉमिटिंग, उस हिसाब से मुझे नई वॉमिटिंग हुआ था।
तो उसके बाद चौथे में आता है स्लीपिंग पोजीशन। तो स्लीपिंग पोजीशन ये बिल्कुल सच माना जाता है। वैसे भी जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको लेफ्ट करवट से ही सोना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पेट में बेबी है, अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो, तो आपको ना लेफ़्ट साइड में ही सोना पसंद होगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं लेफ़्ट साइड में ही सोती थी, राइट साइड में करवट लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को तकलीफ़ हो रही है और मैं कंफर्ट फील नहीं करती थी क्योंकि राइट साइड में ही मेरा बेबी था। नेक्स्ट बात आती है फूड क्रैविंग्स। तो फूड क्रैविंग्स मुझे हुआ था छठा महीने से शुरू हुआ था, तो मुझे चटपटा खाने का मन होता था और क्रंची, ऐसा लगता था कोई ऐसा चीज़ खा लो जो दांतों को मतलब सुकून मिले, आराम मिले, ऐसा लगे कि हाँ कुछ चबा के खा रहे हम, ऐसा मन होता था। बाकी मुझे मीठा खाने का उतना मन नहीं होता था, लेकिन लास्ट के जो महीना मतलब एकदम लास्ट का महीना चल रहा था, उस टाइम हमने सुना है जैसे रसगुल्ला खाने से बेबी का वेट बढ़ता है, तो उस टाइम मुझे मिठाई खाने का बहुत मन होता था, रसगुल्ले तो मैं खाई थी। तो अब बात करते हैं यूरिन कलर को लेकर। यूरिन कलर मेरा हमेशा से पीला रहा है। सब लोग कहते हैं ना कि सफ़ेद कलर का यूरिन होता है तो लड़की होती है, येलो कलर का यूरिन आता है तो लड़का होता है, तो ये बिल्कुल सच हुआ। और मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती थी। कुछ लोग कहते हैं कि पानी कम पीने से भी यूरिन कलर पीला आता है, लेकिन मैं तो पानी बहुत पीती थी उसके बाद भी यूरिन कलर पीला आता था। उसके बाद आता है बेली शेप। लोगों का कहना है कि अगर पेट आपका चारों तरफ फैला हुआ है तो लड़की होती है, अगर गोल सा है तरबूज जैसा तो लड़का होता है। ये बिल्कुल सच हुआ मेरे साथ। मेरे इससे पहले भी दो बेटी हैं, तो उन दोनों के टाइम में पेट मेरा फैला हुआ था, बड़ा सा था, तो और लड़के के टाइम में पेट बिल्कुल तरबूज जैसा ही था, मतलब बॉल जैसा गोल। आगे से देख के पता चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरा बैक साइड से देख के ऐसा लगता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब चारों तरफ ना ही कोई फैट था कमर में, ना ही बैक साइड में, सिर्फ आगे आगे पेट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेली हाई कैरी लो कैरी, यानी कि पेट ऊपर की तरफ है तो लड़की होती है, पेट नीचे की तरफ है तो लड़का होता है। मेरे लिए ये बात बिल्कुल सच हुआ है। मेरा पेट ना ही ऊपर था ना ही नीचे था, बीचों बीच था, एकदम पॉइंटेड था, गोल मटोल सा शेप था। अब हम बात करते हैं बॉडी एनर्जेटिक। तो ये बात 100% ट्रू है। अगर आप बेबी बॉय कैरी करते हो तो आपको कमज़ोरी थकान ये सब बिल्कुल नहीं होता है, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। जैसे मैं करती थी, मेरा तो पूरा घर का काम, बच्चों को देखभाल करना, सब कुछ अकेले मेरे हाथों से होता था, तो मुझे कभी भी थकान या कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी। मुझे हमेशा मेरा पूरा प्रेगनेंसी पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा मैं एनर्जेटिक रही, बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी एक सिम्टम्स मेरे लिए सच हुए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबी मूवमेंट साइड। लोगों का कहना है अगर लेफ़्ट साइड में बेबी मूवमेंट करता है तो लड़की होती है, राइट साइड में करता है तो लड़का। तो ये बात मेरे लिए सच हुआ। मेरा बेबी हमेशा से राइट साइड में मूवमेंट करा, ये वीडियो में आप देख सकते हैं राइट साइड में मूव कर रहा है, और पूरा प्रेगनेंसी में ये राइट साइड में ही था, लेफ़्ट साइड में कभी भी नहीं आया। तो ये था हमारा आज का जो भी वीडियो, मेरा नॉलेजेबल तो आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आपके साथ इसका कुछ सिम्टम्स मिलते होंगे, कुछ ना भी मिलते होंगे, क्योंकि अपने अपना बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, किसी की कुछ अलग सिम्टम होते हैं, किसी के कुछ अलग। किसी की वॉमिटिंग होती है फिर भी लड़का होता है, किसी की वॉमिटिंग नहीं भी होती है फिर भी लड़की होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ये सब सिम्टम्स हैं लेकिन फिर भी आपको लड़की हुई हो, लेकिन मेरे साथ ये सच हुआ है, इसलिए मैं अपने दावे के साथ कह सकती हूँ कि लड़का होने का सिम्टम्स यही सब है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। और फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी पूरा प्रेगनेंसी में यूट्यूब में एक भी वीडियो ऐसा नहीं छोड़ा था कि मैं नहीं देखती, मतलब हर वीक क्या क्या बदलाव मेरे अंदर आ रहा है, क्या क्या बदलाव मेरे बच्चों के अंदर आ रहा है, और आने वाले वीक्स में क्या क्या होने वाला है, ये सब वीडियो में देखती थी। और हाँ, ऐसे वैसे वीडियो चैनल नहीं देखती थी, डॉक्टर के जो चैनल्स होते हैं वो सब गायनोकोलॉजी वाले, तो उन्हीं का वीडियो देखती थी। और ये सोच के परेशान भी होती थी क्या पता मुझे लड़का होगा या लड़की। लेकिन जब मेरा एनुअल स्कैन हुआ था 19 वीक्स में, एनुअल स्कैन से मुझे 100% पता चल गया था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है, लेकिन ये डिक्लेयर मैं करती तो क्या पता बाद में लड़की होती, तो फिर
मेरा बात जो है वो झूठा साबित होता, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर ये बात छेड़ती, बाकी किसी से नहीं बोलती थी। तो मैं अलग से एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, एनिमली स्कैन मेरा हुआ था तो उसमें साफ साफ मतलब नज़र आता है कि हाँ आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और अभी मेरा बेबी बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है बेबी बॉय मेरा। दो लड़कियों के बाद एक बेटा हुआ है तो जाहिर सी बात है खुशी तो होगी ही ना। तो हमेशा से मैं ये चाहती थी कि मेरा बेटा हो, तो अल्लाह ने मेरे सुन ली। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे सिम्टम्स शेयर कर दिए, और भी कुछ है लेकिन वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो अगर शेयर ना भी करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और मेरा ये जो कि ब्लॉग चैनल है, तो मैं देखती हूँ कि मेरा ब्लॉगिंग से ज़्यादा आप लोग मेरे प्रेगनेंसी में इंटरेस्टेड है। तो अगर ऐसी बात है तो कॉमेंट कीजिएगा और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ।